आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की फिल्म रेड के ट्रेलर के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, गोलमाल अगेन जैसी कॉमेडी फिल्म के बाद अजय देवगन अब वापस आ गए हैं अपने सीरियस रोल में, जिसमें वो काफी बेस्ट है। क्योंकि जब भी अजय देवगन कोई सीरियस रोल चुनते हैं तो उस फिल्म में कोई ना कोई बात जरूर होती है। एग्जांपल के तौर पर गंगाजल, आक्रोश और दृश्यम जैसी मूवी। तो अब बात करें रेड मूवी की, तो क्या नया है इस फिल्म में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमारा ट्रेलर स्टार्ट होता है एक डोर नॉक से, जो अजय देवगन कर रहे होते हैं, और अजय देवगन उस सिक्योरिटी गार्ड से दरवाजा खोलने की बात करते हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि मेरे पीछे देखो, और उसी का रिप्लाई करते हुए हमारे अजय देवगन उसे कहते हैं कि मेरे पीछे भी देख लो। इससे ये साफ होता है कि अजय देवगन काफी सख्त मिजाज के आईटी कमिश्नर ऑफिसर है। और अगले सीन में देखो तो हमें अजय देवगन की पूरी आईटी टीम नजर आती है, जिनमें से कोई भी एक्टर नोन नहीं है। उसके बाद के सीन में हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी ट्रू इंसिडेंट पर बेस है। इस ट्रू इंसिडेंट का पीरियड था 1981। ये उस टाइम की सबसे लंबी रेड थी। लेकिन अगर बात करें 1981 की रेड्स की, तो ऐसी कोई भी डिटेल्स हमें नहीं मिलती है। तो शायद ये हो सकता है कि इस केस को दबा दिया गया हो, जिससे किसी को भी इस केस के बारे में नहीं पता चले। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बात हो रही हो 2007 के केस की, क्योंकि उस केस की स्टोरी भी इस फिल्म से मिलती जुलती है। और अगर हम स्टार्ट के सीन पर नोटिस करें तो वहाँ पर अजय देवगन कहते हैं कि उनके पास रामेश्वर सिंह के नाम का अरेस्ट वारंट है। और बात करें ट्रू इंसिडेंट्स की, तो ट्रू इंसिडेंट्स में भी उस कैरेक्टर का नाम इस फिल्म से जरूर मिलता है। और 2007 की ये भी एक लंबी रेड थी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टोरी मैच करती है। तो ये इस फिल्म की ट्रू इंसिडेंट्स कि वो सच है या फिर एक फिक्शन है, ये बात हमें फिल्म देखने के बाद जरूर पता चलेगी। तो अब आ जाते हैं इस फिल्म के ट्रेलर पर। उसके बाद अजय देवगन एक दमदार डायलॉग मारते हैं कि इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं बल्कि अमीर लोग हैं, जो गरीबों के पैसे को लूटते हैं। और दूसरे सीन में हमें लखनऊ की फेमस प्लेस रूमी दरवाजा नजर आता है। एक हिसाब से ये लखनऊ का एक एंट्रेंस गेट है, लेकिन अब ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इन्होंने इस लोकेशन को इतना क्लीन इसलिए किया है क्योंकि ये 80s के टाइम पर ऐसा ही था। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में लखनऊ की फेमस टीले वाली मस्जिद दिखती है, जो असल में कुछ इस तरीके की लगती है। तो इन सब चीजों से ये साफ होता है कि इस फिल्म की लोकेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद अजय देवगन कहते हैं कि डिपार्टमेंट अब टैक्स की चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे कि उनके एम्प्लॉय कहते हैं कि अब नए नए आए हैं इसलिए वो अपना थोड़ा तो जोर दिखाएंगे। जिस पर हमारे अजय देवगन जवाब देते हैं कि मेरा 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हो चुका है। इससे ये साफ होता है कि वो अपने काम को लेकर कितने ईमानदार है। तो वो इस फिल्म में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने वाले हैं, यानी वो 50वीं रेड एक ऐतिहासिक करने वाले हैं, जिससे कि लोग उन्हें याद रखें। अब ऐसा नहीं है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सीरियस ही होगी, इस फिल्म में लव एंगल भी दिखाया गया है। और एक बार फिर हमें अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज की जोड़ी फिर से नजर आएगी। तो इलियाना डिक्रूज के रोल को देखकर ये लगता है कि वो अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट करती है। उसके बाद ट्रेलर एक अलग ही टर्न ले लेता है, जिसमें अजय देवगन स्टेट के सबसे पावरफुल इंसान के घर पे रेड मारने की बात कर रहे हैं, और वो इंसान कानून को अपने हाथ में लेने से पीछे नहीं हटता है। तो इस फिल्म में नेगेटिव रोल में हमें नजर आने वाले हैं सौरभ शुक्ला। तो अजय देवगन सौरभ शुक्ला के घर पे रेड डालने से पहले काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि सच में इस इंसान के पास 420 करोड़ रुपए है या नहीं। उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं कि वो इसके घर में रेड जरूर करेंगे। उसके बाद एंट्री होती है इस फिल्म के विलन की, जो बिल्कुल आराम से बैठकर अपने घर में चाय पी रहे हैं। उसके बाद सौरभ शुक्ला भी एक दमदार डायलॉग मारते हैं। वो कहते हैं कि इस घर में पुलिस वाले मच्छर तक मारने नहीं आते और तुम रेड मारने आ गए हैं, जिसके जवाब में हमारे अजय देवगन कहते हैं कि वो खाली हाथ सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल से ही निकले थे, और जब वो सुबह सुबह किसके घर पहुंच जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाते हैं। तो इससे ये साफ होता है कि उन्हें इस घर से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो काफी सुबह सुबह रेड मारने चले जाते हैं, जिससे कि किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं होती है। वेल, अक्सर आईटी ऑफिसर्स ऐसे ही रेड मारते हैं जब उन्हें किसी के भी घर पर रेड मारनी होती है। इससे सामने वाला काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब आगे करना क्या है। और फिर वो अपनी टीम को रूल समझाते हैं कि उनकी टीम जब रेड मारने जाएगी तो वो किसी से भी फोन पर बात नहीं कर सकती, और जब रेड का काम चल रहा है तो आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते। वेल, तो इस सीन को देखकर लगता है कि ये अजय देवगन की एक सक्सेस रेट है, क्योंकि बैकग्राउंड की लोकेशन और जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो लोग दूसरे लगते हैं। और अब बात करें सौरभ शुक्ला के केस की, तो वो उसके केस में उसकी पूरी प्रॉपर्टीज पर भी रेड करेंगे कि उसके कहां कहां पर ठिकाने हैं, लेकिन उनकी टीम के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, जिससे सभी टीम के मेंबर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उनकी टीम अजय देवगन पर इल्जाम भी लगाती है कि आपको
शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है और काफी लोग उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। और फिर सौरभ शुक्ला हमारे अजय देवगन से ये कहता है कि अंदर तो आ गए हो, अब बाहर कैसे जाओगे, जिस पर हमारे अजय देवगन कहते हैं कि हमें कौन रोकेगा। और फिर सौरभ शुक्ला कहते हैं राजा जी की फौज। इससे ये साफ होता है कि सौरभ शुक्ला का उनके गाँव में कितना दबदबा है और लोग उसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके एक बोलने पर वो पूरे गाँव को भी जला सकते हैं। साथ ही साथ हमें अगले सीन में अजय देवगन के घर पर भी हमला होता हुआ नजर आता है और उनकी वाइफ की हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद उन पर हमला हो चुका है, उसके बाद ये दूसरा हमला है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक पाइप से पानी निकाल रहे हैं, तो शायद वो लोग यहाँ पर कुएं को खाली कर देख रहे हैं कि कहीं उन लोगों ने पैसे इस कुएं के अंदर तो नहीं छुपाए। और फिर एक क्विक सीन में हमें दो और कैरेक्टर नजर आते हैं, जिनमें से एक है विनीत कुमार और दूसरी शीबा। रेड तो एक नॉर्मल थी, लेकिन अब राजा जी की फौज और राजा जी ने मिलकर इस रेड को वायलेंस कर दिया है। और फिर ट्रेलर एंड होता है एक ताले को सील लगाते हुए और साथ ही साथ हमें काफी ज्यादा पैसा दिखाया जाता है। तो क्या अब उन्हें ये पैसा रामेश्वर सिंह के घर से ही मिला है या फिर ये कोई दूसरे केस का सीन है, वो तो हमें इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात करें इस फिल्म के विलन की, तो वो ट्रेलर एंड होते होते एक डायलॉग और कहते हैं। वो कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, सिर्फ पसीना निकलेगा और कुछ भी नहीं। और फिर अजय देवगन कहते हैं कि निकलेगा पूरा 420 करोड़ रुपया निकलेगा। और इसी बात पर ये ट्रेलर यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें एक एक्साइटमेंट के साथ में छोड़ जाता है, क्योंकि ये फिल्म भी एक चुल से भरी हुई है जिसे आप जरूर देखना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से दृश्यम के बाद अजय देवगन की ये एक और बेस्ट फिल्म है। तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।